हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का डिजी लर्निंग क्रॉनिकल्स के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस और ट्यूटोरियल्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा कि कैसे आप इस सिंगल कैरेक्टर इमेज से आप बैकग्राउंड को 5 सेकेंड से भी कम समय में आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर इमेज में ही नहीं, आपके पास अगर डबल कैरेक्टर या उससे ज़्यादा का भी इमेज हो तो उसे भी आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं 5 सेकेंड के भी कम समय में। और इसके लिए आपको फोटोशॉप का नॉलेज होने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए दिखाते हैं कि कैसे करना है इसको। तो इसके लिए आपको आपका ब्राउज़र ओपन करना है, उसमें गूगल ओपन करके वहाँ पर टाइप करना है remove.bg। और टाइप करते ही जैसे आपका पहला जो वेबसाइट है वो खुलेगा, उसको आपको क्लिक करके ओपन करना है। और जैसे ही आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि रिमूव इमेज बैकग्राउंड 100% ऑटोमेटिकली और फ्री। तो इसमें जाना है आपको, अपलोड इमेज में क्लिक करना है। और जैसे मैंने ये इमेज सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कितने कम समय में इसका जो है बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। और आपको अगर इसमें डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा विदाउट एनी वाटरमार्क और पूरा का पूरा फ्री टू यूज़ होगा। और आपको ये भी दिखा दूँ कि अगर इसका जो डबल कैरेक्टर या उससे ज़्यादा का कैरेक्टर का इमेज हो तो उससे भी आप सिमिलर प्रोसेस में ही काम कर सकते हैं। तो उसके लिए भी प्रोसेस सेम ही है, आप इसमें अपलोड इमेज में क्लिक करेंगे और यहाँ पर दूसरा इमेज आपने सिलेक्ट कर लिया, इसका भी आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में इसका भी बैकग्राउंड रिमूव हो गया। और इसका भी आप सिमिलर प्रोसेस में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि आप कितने कम समय में आप कोई भी पिक्चर जिसमें सिंगल कैरेक्टर या उससे ज़्यादा कैरेक्टर का हो, आप उसका इमेज लेके आप आराम से उसका बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। हम लोग को बैकग्राउंड इरेज करने के लिए बहुत टाइम लग जाता था पहले फोटोशॉप में, इस वेबसाइट के ज़रिए आप बहुत ही कम समय में ये काम कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप अगर इसमें एडिट में क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे बैकग्राउंड भी नज़र आ जाएंगे जो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इस रोड बैकग्राउंड में क्लिक करते हैं तो उसमें ये चेंज हो जाएगा, या फिर आप कोई दूसरा बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं, ये बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से शिफ्ट हो जाएगा। और आप इसको आराम से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और सिर्फ इसमें ही नहीं, आप नेक्स्ट जो सिंगल कैरेक्टर का जो इमेज था उसमें भी आप सिमिलरली एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसमें ये बैकग्राउंड देता हूँ, तो ऐसा बैकग्राउंड में भी हम लोग इसका कर सकते हैं तो कुछ प्रोफेशनल एडिटिंग जैसा नज़र आएगा, इसमें कर सकते हैं। और फिर और भी देख लेते हैं, और ये बैकग्राउंड भी बहुत बढ़िया लग रहा है, इसमें भी आप ऐसे ही सिमिलर तरीके से आप इसको भी बैकग्राउंड चेंज करके डाउनलोड कर सकते हैं। और भी लर्निंग वीडियोज़ के लिए हम लोग के साथ बने रहिए। धन्यवाद।